इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। का उद्देश्य यह नहीं है कि मैं किसी दूसरे जाति संप्रदाय के पद गाली गलौज करूं। समाज को संगठित करने का मात्र मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज के पद कोई अत्याचार गाली गलौज न करे। आज देश 75 आजादी के 75 साल हो गए हैं और बिहार जैसे राज्य में 75% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई, इसे समाप्त कर देना चाहिए। आज हम विश्व गुरु की बात करते हैं, विकसित राज्य की बात करते हैं, अमेरिका और चाइना से आगे जाने की बात करते हैं। आरक्षण की बैसाखी के सहारे या किसी भी कीमत में संभव नहीं है। आज विश्व गुरु की बात हो रही है। विश्व गुरु अगर भारत को बनना है तो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करना है। मेरी किसी जाति संप्रदाय के प्रति लड़ाई नहीं है। मेरी शिक्षा शक्ति प्रतिभा की लड़ाई चल रही है और यह लड़ाई मैं जीवन के अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। भारत वर्ष में समानता की बात की जाती है। SC ST एक्ट एक ऐसा काला कानून है जो निर्दोष को बिना जांच के जेल जा रहे हैं। इस व्यवस्था को समाप्त करने का अभियान हम लोग चलाए हैं। मैं आप सभी लोगों उपस्थित लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि समर्थ समाज को आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज इन बुद्धिजीवियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो ठाकुर शिवम सिंह सर्वेश पांडे से मिलना पसंद नहीं करते क्योंकि ऊपर टैग लग जाएगा। आप ऊपर टैग को लग चुका है, आप कहां से भागो, कितने दिन छिपोगे? आप ब्राह्मण ठाकुर बढ़िया है तो आपको ऊपर टैग लगा हुआ है। आप लोग सबसे मैं अपील करता हूं कि एक युवा जो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा है, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हमारा दायित्व बनता है कि वो उसको आगे बढ़ाए। मैं सभी उपस्थित सज्जनों से मैं पुनः अपील करता हूं कि स्वर्ण आर्मी के स्वर्ण नायक सर्वेश पांडे जी के साथ कदम से कदम मिला करके अपने अस्तित्व की लड़ाई में भागीदारी बने और हर घर में सर्वेश पांडे पैदा हो। यह मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उपस्थित सभी लोगों को कैलेंडर वितरण करता हूं और यह कैलेंडर मैं आपको दे रहा हूं कि आप घर घर में जाकर के स्वर्ण की आवाज बनकर, सर्वेश पांडे की आवाज बनकर यह कैलेंडर सबको दे और इस मुहिम में हमारी भागीदारी बने। मैं सूर्य प्रसाद चौबे प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश स्वर्ण आर्मी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।